नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बीके में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पचौरी। मैं साक्षी राय। खबर फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक बने रहिए न्यूज बीके के साथ। इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार, दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानी पर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर। दीपावली पर बुकिंग कराएं और स्कूटी फ्री ले जाएं स्मार्ट ऑटोमोबाइल से। एक बार चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक का सफर करें। ना रजिस्ट्रेशन का झंझट, ना आरटीओ की आवश्यकता। नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली, सेफ राइड, नो फ्यूल। तो आज ही आए रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के बगल में अलादीन पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुरू करते हैं खबर फटाफट और पहली खबर मऊरानीपुर से। मऊरानीपुर में किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए उतरे सड़क पर लगा जाम। पुरुषों के साथ महिलाएं भी हुई विरोध प्रदर्शन में शामिल। सरकार के कृषि विधेयक पर जता रहे थे नाराजगी, बोले सरकार किसानों पर बने संवेदनशील। और वहीं झांसी में सुबह टहलने निकली महिला को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच की गई शुरू। मौत के साकिन में घर में घुसकर महिला के साथ की गई गलत हरकत। महिला का आरोप, तमंचे की नोक पर लूटी गई अस्मत। शोर सुनकर परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पहुंचाया थाने, की कठोर कार्यवाही की मांग। और मोट गल्ला मंडी में धान सस्ते रेट पर खरीदने के विरोध में धरने पर बैठे किसान। मंडी गेट के मुख्य दरवाजे पर लटकाया ताला, दोषियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुलिस बल समेत तमाम आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। और झांसी के कटेरा में कार्तिक मास का दिखा रंग। महिलाओं ने गोपी बनकर और पुरुषों ने ग्वाल बनकर किया शानदार नृत्य। रंगारंग कार्यक्रम को देखने को लगी भीड़। और झांसी के बरुआ सागर में नशीली दवाओं का कारोबार बड़े पैमाने पर जारी। गली कूचों में बिक रही प्रतिबंधित नशीली दवाएं युवाओं की पहली पसंद बना प्रतिबंधित दवाओं का सेवन। शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर ने न्यूज बीके टीम को दिलाया बड़ी कार्यवाही का भरोसा। किसानों की ज्वलन समस्याओं को लेकर किसानों ने विद्युत विभाग का किया घेराव। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह के साथ सैकड़ों किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। अधिकारियों के विरोध में जमकर की नारेबाजी। एसडीएम के आश्वासन के बाद खुला जाम। झांसी जिले के ककरवई में ग्राम प्रधान खरवाच के पुत्रों पर सरकारी धन के दुरुपयोग का लगा है आरोप। जिलाधिकारी के आदेश पर शुरू हुई जांच, लेकिन देखना है कि क्या आरोपियों पर होगी कार्रवाई। रक्सा में गुरुवार को टूटी नहर, गांव में घुसा पानी। ग्रामीणों की शिकायत पर सिंचाई अधिकारियों ने बंद किया नहर का पानी। अब किसानों के सामने है सिंचाई की समस्या। और जालौन पुलिस ने पकड़ा शातिर बदमाश, कई मामलों में 3 साल से वांछित था आरोपी। पुलिस ने भेजा जेल। कुठौन थाना क्षेत्र की कंझारी चौकी पुलिस ने कल्लू उर्फ शिवपाल सिंह को अवैध तमंचा और 2 कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। जालौन में दिखा किसानों का जोरदार प्रदर्शन, सड़क जाम कर लगाए सरकार विरोधी नारे। किसानों के विधेयक के साथ किसानों पर हुई कार्यवाही के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और खुलवाया जाम। और आखिरी खबर आगरा से। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पहुंचा किसानों का आंदोलन। फतेहाबाद टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में पहुंचे किसान नेता और लगा दिया जाम। किसानों की संख्या देखकर बड़ी संख्या में पहुंचा पुलिस फोर्स। एसडीएम फतेहाबाद ने किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। तो ये थी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए न्यूज बीके। नमस्कार।